सर बोलेरो में तो इतनी बोलेरो मैंने कहीं देखी नहीं है। मेरे पास बोलेरो पिकअप में आपने जो बोले सात आठ गाड़ियां नहीं है, मेरे पास पूरे 15 गाड़ियां खड़े हुए। क्या बात। हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डर MS20। यहाँ पर बोलेरो पिकअप का स्टॉक मेरे को आपके लिए लेकर आना था, मगर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतना ज़्यादा स्टॉक लेकर आऊँगा। यहाँ पर पीछे चार पांच खड़ी, आगे चार पांच, मतलब सात आठ गाड़ियाँ तो कैसी भी खड़ी है, हर वैरायटी के अंदर खड़ी है। BS4 ही है सारी ज़्यादातर, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, पिकअप है, बी मैक्सी ट्रक, ये सारी वाले व्हीकल, छोटे बड़े पिकअप जो भी आते हैं बोलेरो में सारे मिलेंगे। और कौन लेकर आए तो यहाँ पर आरिश भाई, वेलकम टू ऑर्डर MS20। आरिश भाई हमेशा ही हमें खुश करते रहे इन लोडिंग के अंदर, तो इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं आरिश भाई के पास में कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना सारा स्टॉक ये मेंटेन कहाँ से करते। सर बोलेरो में तो इतनी बोलेरोज मैंने कहीं देखी नहीं है। मेरे पास बोलेरो पिकअप में आपने जो बोले सात आठ गाड़ियाँ नहीं है, मेरे पास पूरे 15 गाड़ियाँ खड़े हुए। क्या बात। आपको वन टाइम मेरे पास 15 गाड़ियाँ देखने को मिल जाएंगे बोलेरो पिकअप में, जो कि औरंगाबाद जिले के अंदर कहीं भी नहीं। ओके चलेगा, कोई बात नहीं। तो ये पहली गाड़ी से शुरुआत करेंगे। मेरे पास ये पहली गाड़ी है, 2019 की गाड़ी है, MH20 गाड़ी है ये। अगर छोटी पिकअप किसको लेना है तो ये छोटी पिकअप है, 6,20,000 रुपये इसका रेट है। पासिंग इंश्योरेंस इसका क्लियर मिलेगा तुमको। वैसे मेरे पास कोई भी 15 गाड़ियों में से कोई भी पिकअप लो, पेपर क्लियर मिलेंगे, लेकिन इसकी बात इसके हद तक पासिंग भी क्लियर है, इंश्योरेंस भी क्लियर है। 6,20,000 रुपये रेट है। तो इसमें लोन कर दोगे आप? लोन करा के दे देंगे। नहीं, 5.5 लाख रुपये लोन हो गया। चलो इसकी बताओ। बोलेरो पिकअप में अगर आपने को एक्स्ट्रा लॉन्ग चाहिए गाड़ी, इसकी बॉडी एक्स्ट्रा लॉन्ग है। okay. एक्स्ट्रा लॉन्ग गाड़ी अगर आपने को चाहिए 1.7, तो ये 2019 की गाड़ी है, MH20 गाड़ी है जी। इसका जो है तो 7,90,000 रुपये रेट है, थोड़ा बहुत इसमें भी निगोशिएबल हो जाएगा। नया लोन करना है तुम्हारे नाम पे तो 6.5 लाख रुपये लोन भी हो जाएगा। देखो ये होगी बात, बोलेरो पिकअप बहुत ज़्यादा स्टॉक आगे आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला भी एक व्हीकल आता है, इसका नाम क्या बताएंगे? बोलेरो पिकअप में सबसे टॉप मॉडल जो आता है 1.3, जिसकी शोरूम में भी गए तो 70,000 रुपये रेट जो तो महंगी रहती है। क्या वो 1.3 गाड़ी है, सबसे टॉप मॉडल 2019 का मॉडल है, MH20 गाड़ी है। टोटल MH20, पहली भी जो देखी वो MH20 थी, दूसरी भी MH20 थी, ये भी MH20 है। इसका रेट है 7,90,000 रुपये, इसमें भी थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लेंगे। ओके सर, दो सवाल रहेंगे मेरे पास आपके लिए। एक तो जितनी भी गाड़ियाँ आज हम पूरी जो गाड़ियाँ बताएंगे उसके अंदर कोई पेट्रोल गाड़ी है? नहीं, लोडिंग गाड़ी में जो है तो पेट्रोल जो गाड़ी आती है वो BS6 आती है, लेकिन अपन BS6 वाला माल रखते नहीं, BS4 वाला माल रखते। वही पूछ रहा था, मेरा सेकंड सवाल वही था कि पूरे BS4 गाड़ी है आज के लॉक इन? टोटल BS4 मिलेंगे, मतलब जिनको डर है ना वो सेंसर वाला BS6 वाला वो निकाल दीजिए दिमाग से, यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ BS4 ही गाड़ियाँ देखने मिलेंगी। इस गाड़ी का डिटेल देती है हमने? दे दी, आपने बोला ना, मैंने 7,90,000 रुपये इसका रेट है, निगोशिएबल थोड़ा हो जाएगा, 19 का मॉडल है। ओके चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला व्हीकल देखेंगे। बोलेरो पिकअप में अगर आपको सादी गाड़ी चाहिए, DI इंजन में, जिसको पंप आता सादा इंजन है, बड़ी पिकअप है, 2014 का मॉडल है जी, 5,11,000 रुपये इसके बोलते हैं, थोड़ा बहुत निगोशिएबल इसमें भी हो जाएगा। हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वाली गाड़ी है तो यहाँ पर ये भी जो है तो MH15 जो नासिक है, औरंगाबाद ट्रांसफर है, एक्स्ट्रा लॉन्ग गाड़ी, ये भी 2016 का मॉडल है, 6,70,000 रुपये रेट है इसका, थोड़ा बहुत निगोशिएबल इसमें कर लेंगे। ओके चलेगा। बाकी मेरे को बताना ये सामने के तीनों भी बुक है या फिर ये है? अभी ये मैक्सी ट्रक है, अभी मैक्सी ट्रक गाड़ी है जो आपने स्टार्टिंग में देखी, छोटी पिकअप उसमें की ये मॉडल है, लेकिन ये है कि वो जो है तो BS4 गाड़ी है। अब ये जो है तो BS3 गाड़ी मिलेंगी आपको, इसमें जो है तो DI इंजन आता, सादे पंप में गाड़ी आती है, 2015 की गाड़ी है, 5,40,000 बोलते हैं, निगोशिएबल थोड़ा हो जाएगा। ठीक है चलो, हम ये दो तो गाड़ियाँ जा चुकी है हमारी, ये भी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये जो है तो सोल्ड है। ओके, वो सोल्ड है, बुक करी भी हो। ये 2015 की गाड़ी है, इसका भी जो है तो इंजन सादा है, टर्बो इंजन है, DI इंजन, ऑलरेडी EMI वाली गाड़ी, जिस अभी जो देखिए अपन ने उसके ऊपर जो है तो नया लोन करना पड़ेगा। ये गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी जो है तो 12,400 रुपये की 44 हफ्ते है लोन यूज़ करने मिलेंगे आपको, और ऊपर से जो है तो सिर्फ 1,25,000 रुपये देना है गाड़ी को। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब जितनी अब तक गाड़ियाँ पहले हमने बताई, ये गाड़ी छोड़कर जो भी गाड़ियाँ बताई, सारे गाड़ियों के ऊपर नया लोन हो सकता है, मतलब आपके नाम पर लोन होगा। और ये वाली जो गाड़ी है ना, तो ये वाली गाड़ी का किसी और का जो ओनर है उसी का लोन इसके ऊपर चालू है, जो आपको इस्तेमाल करने मिलेगा, ऐसा सर कुछ बोलना चाहते हैं। तो सर एक बार प्लीज़ फिर से बता दीजिए कितना डाउन पेमेंट और कितने? 12,800 इसका जो है तो EMI है, 44 हफ्ते इसके ऊपर बाकी है, और 1,25,000 रुपये डाउन पेमेंट है। चलेगा, हो गई बात। अभी यहाँ पर जब सामने आते हैं ना, अभी ये गाड़ी V30 लिखा है इसके ऊपर, लग गया सर? ओके चलो, ये इंट्रा नाम है इसका, तो बताइए।
मेरे पास इंट्रा जो है तो दो मॉडल है, ये जो है तो ऑलरेडी ईएमआई वाली गाड़ी है, सामने वाले कस्टमर का लोन यूज करने मिलेगा इसका। इसके ऊपर जो है तो 5 लाख रुपए ऑलरेडी लोन है, 5 लाख रुपए लोन यूज करने मिलेगा और 1.5 लाख रुपए जो है। रुक जाओ 2 मिनट, थोड़ा इधर इधर, क्या प्रॉब्लम है? इधर दिख रहा नहीं और वैसे वो कटिच करने का है ना। हाँ, डबल से लेने का ना। हाँ नहीं, चालू रख, मैं कट कर लूँगा उसको। इंट्रा जो है मेरे पास दो मॉडल है V30 में, ये जो है तो ये ऑलरेडी लोन वाली गाड़ी है, सामने वाले कस्टमर का लोन इसके ऊपर जो है तो यूज़ करने मिलेगा। 5 लाख रुपए लोन है, 1.5 लाख रुपए देना है डाउन पेमेंट। 2021 का मॉडल, 2021 का मॉडल है तो थोड़ा फास्ट फास्ट जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि कवर करनी पड़ेंगी। 2014 का मॉडल है टाटा, इसमें ST मॉडल किसको चाहिए तो 2.5 लाख रुपये बोलते हैं, थोड़ा बहुत निगोशिएबल हो जाएगा, पेपर क्लियर है। MH15 नासिक, बाकी सारे हाईटेक है, अभी तक की कोई पैक डब्बा आया नहीं है, अगर आता तो मैं आपको ज़रूर बताता। ये जीतो में मेरे पास दो मॉडल इधर खड़े हुए हैं, 2019 का ये लेटेस्ट मॉडल है, 716 बड़ी गाड़ी है, इसका जो है तो 3.5 लाख रुपए रेट है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, MH बेस, पेपर क्लियर है, डाउन पेमेंट थोड़ा बहुत जो है तो 3.5 में थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लेंगे, चलेगा। अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे, तो ये वाला एक जीतो है, छोटी जीतो अगर किसको चाहिए तो ये मेरे पास खड़ी भी है, 2016 का मॉडल है, ये दे देंगे अपन 2,30,000 रुपये में फाइनल। सर एक बात मैंने नोटिस की, यहाँ पर बहुत सारी मैंने पिकअप देखी जिनके ऊपर ये किंग लिखा है हर जगह, मतलब मैं इसको समझ नहीं पाया ये कोई एक ही आदमी की गाड़ियाँ है या फिर आप ये जो है तो अपन लाने के बाद में जो है ना तो गाड़ी को थोड़ा बहुत रेडियम वगैरह करना पड़ता है, तो उसका एक अपने जो है तो गाड़ी अपने ऑफिस की महाराष्ट्र वाहन बाजार की गाड़ी है, तो एक पहचान की वस्ते किंग जो है तो क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लिखा है वो, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी ने दिया है, बहुत अच्छा किया आपने। बाकी ये वाला गाड़ी बताना है, ये अशोक लेलैंड, मेरे पास 3 गाड़ियाँ खड़े हुए ये ऑफिस पे, ये जो है तो फर्स्ट ओनर गाड़ी मिलेंगी आपको, MH20 गाड़ी है, 2018 की गाड़ी, इसका रेट है 5,40,000 रुपए, निगोशिएबल थोड़ा हो जाएगा, 4 लाख रुपए, 4.25 लाख या फिर 4.5 भी लोन हो जाता है इसको, चलेगा ये होगी बात। अभी नेक्स्ट वाला व्हीकल देखते हैं, तो फिर से अशोक लेलैंड है, ये भी क्रीम कलर। अशोक लेलैंड में अगर आपको ऑलरेडी ईएमआई वाली गाड़ी चाहिए, अगर आपके नाम पे लोन होता नहीं है तो आप ये जो है तो इसके ऊपर ऑलरेडी लोन है 3,40,000 रुपए जी। हाँ ये लोन यूज करने मिलेगा, 1.5 लाख रुपए बोलते हैं, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर लेंगे। ओके, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर देंगे, ये होगी गाड़ी। अभी ये सफेद वाली गाड़ी है, अब तक क्रीम का कलर वाली गाड़ी हम लोग बता रहे थे, अभी ये सफेद कलर वाली गाड़ी है जो कि बहुत सारे लोगों को कम बजट में, अगर आपको पार्टी वाली गाड़ी चाहिए तो ये गाड़ी बेस्ट है, 2013 की गाड़ी है, पाटे वाली, 13 में पाटे नहीं आते लेकिन सामने वाले ने इसको अल्टर करके पाटे बनाया हुआ है। क्या बात, हाँ 2013 की पाटे वाली गाड़ी, पेपर क्लियर में 3,20,000 रुपये रेट, 3,20,000 में अशोक लेलैंड का दोस्त भी ले जाइए, वो भी पाटे वाला, इतना ब्रांड न्यू है यहाँ पर लगा हुआ। और भी हमारे पास कुछ गाड़ियाँ हैं वो हम लोगों को बताना है, मगर हमको उसके लिए जाना पड़ेगा दूसरे साइड में, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं और अगला ब्लॉक शूट करते हैं। तो यहाँ पर V30 फिर से आती है, टाटा का इंट्रा, पहले जो गाड़ी देखी अपन वो ऑलरेडी ईएमआई वाली गाड़ी थी, ये 2020 का गाड़ी है, नील गाड़ी है, 5,90,000 रुपये रेट है इसका, थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लेंगे, नया लोन मार के दे देंगे, नया लोन भी मार के दे देंगे आपको चाहिए तो 5,90,000 बोल दिए, कम कर देंगे। अभी ये फिर से आगे आते हैं, बोलेरो पिकअप में अगर आपको बड़ी गाड़ी में अगर शादी गाड़ी होना पम्प वाली गाड़ी, तो ये 2015 की गाड़ी है, टोटल शादी गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग मिलेंगे आपको, इसका रेट है 5,70,000 रुपये और पेपर क्लियर, 5,70,000 में पेपर क्लियर करके मिल जाएंगे। यहाँ पर MH04 के अंदर ये बोलेरो पिकअप आती है, ये बोलेरो पिकअप का कुछ सिलसिला इनका खत्म नहीं हो रहा है। बोलेरो पिकअप जो है तो ऑलरेडी लोन वाली गाड़ी, अगर आपको चाहिए, पहले जो देखिए 15 की थी, ये 2017 की गाड़ी है, इसके ऊपर 4.5 लोन मिलेंगे आपको यूज करने को, और ऊपर से सिर्फ 1 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। क्या बात है, सिर्फ 1 लाख रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पर जब हम लोग आते हैं, फिर से पिकअप के दो मॉडल्स हैं हमारे पास, और लास्ट में बड़ा जो दोस्त है, पहले इस गाड़ी का बताना है सर, ये 2000 अगर आपको कम बजट में अगर आपको गाड़ी चाहिए कैश में या फिर लोन भी करना है तो इसके ऊपर लोन हो जाता, 2013 का मॉडल है, 4,70,000 रुपये इसका कैश का रेट। ओके, 4,70,000 कैश का रेट रहा, बाकी लोन करवा देंगे आपको, अभी यहाँ पर जब आते हैं हम लोग तो यहाँ पर फिर से लास्ट में आएगा बोलेरो पिकअप FB। ओके, बोलेरो पिकअप में टॉप मॉडल जो पहले देखिए आपने 19 का, वही ये मॉडल है, सेम मॉडल है, 1.3 है, MH20 गाड़ी है, 7,90,000 इसका भी रेट है, इसमें भी थोड़ा बहुत निगोशिएबल कर लेंगे, पेपर ये गाड़ी के क्लियर है, पेपर गाड़ी के क्लियर रहेंगे, इसमें भी हो जाएगा। अभी देखिएगा लॉट्स ऑफ वैरायटीज इनके पास देखने मिलते हैं, उसमें एक वैरायटी निकल कर आता है जो कि अशोक लेलैंड का दोस्त है, जो 5 बोल्टी जो बोला जाता है, बड़ा दोस्त से बोला जाता है। अब ये वैरायटी भी ये लोग मेंटेन करते हैं, ये बताने के लिए सिर्फ मैं ये गाड़ी बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये गाड़ी सोल्ड आउट हो चुकी है, बराबर सर? एक्चुअली ये जो गाड़ी है मैंने कल रात को लाया था और सभी अभी इसको इसका ऑफिस में जो है तो एग्रीमेंट चालू ऑफिस के अंदर, तो इस तरीके का कुछ होता है। तो आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे को लगता है कि आपको कोई गाड़ी पसंद आएगी तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कर देना, इनके पास बहुत सारे वैरायटी की गाड़ियाँ होती हैं। अभी ये जो है मेरे को तो लगता है छोटा ट्रक के इतना ही बड़ा है ये, बड़ा दोस्त बोलते हैं इसको, इसका निकनेम बड़े पापा बोलते हैं इसको, मतलब
अगर आप कंपैरेटिवली देख पा रहे हो ना यहाँ पर, तो ये अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त जो है ना, तो बोलेरो पिकअप भी उसके सामने छोटा लग रहा है। बोलेरो का सबसे बड़ा मॉडल भी इसके सामने बहुत छोटा लग रहा है, मतलब डायरेक्ट जैसे लग रहा है फॉर्च्यूनर के बाजू जो ब्रेजा खड़ी होती है ना, उस तरीके का कुछ दिखाई दे रहा है मेरे को। बाकी सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। अच्छे से अच्छा डील आपने दिया है, मगर अच्छे से अच्छा भाव आप करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो सारे कस्टमर को क्लियर करते हो, आप उनकी हेल्प करेंगे, मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। कोई इशू नहीं है, आप जो है तो आप विजिट करिए एक बार, मेरे पास दो ऑफिस है, कोई भी गाड़ी आप लो, उसके पेपर क्लियर मिलेंगे, लोन करना है लोन कराओ, या फिर लोन अगर यूज़ करने आपको चाहिए तो लोन यूज़ करने दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, वो भी हो जाएगा। और बाकी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होता है ना नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी को भी पूछ लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दोनों भी मिलेगा। तो व्यूअर्स आपको भी थैंक यू सो मच, धन्यवाद।